सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इंडियाज बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर IIT JEE केमिस्ट्री एडवांस्ड। एंड दिस द चैनल वेर यू गेट एक्चुअल एडवांस लेवल कंटेंट। एंड इफ यू आर 23 और 24 एस्पायरेंट, यू मस्ट गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट्स। यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड दैट विल श्योरली बूस्ट अप योर JEE एडवांस प्रेपरेशन। तो हमने साल भर जो बातें की हैं वो रैंक बूस्टिंग बातें की हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखे हैं, एक्सक्लूसिव कंसेप्ट सीखे हैं जो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, और ऐसे कंसेप्ट जहाँ पे टॉपर्स ट्रैप हो सकते हैं। हमारी पूरी रियल एडवांस सीरीज उस पर बेस्ड है, रैंक बूस्टिंग कंसेप्ट, इनऑर्गेनिक सीरीज, बहुत कुछ किया। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिनकी केमिस्ट्री किसी रीज़न से, वो रीज़न इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी बात करना उस पर, किसी रीज़न से केमिस्ट्री जो है वो थोड़ी वीक रह गई है और अभी थोड़ा वो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि अब उनका एडवांस में कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि उनकी अब केमिस्ट्री क्या है, वीक हो गई है। जो मॉक टेस्ट्स हो रहे हैं उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ऐसा अगर आपको फील हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए, आप देखो, आपको एक अच्छा विजन मिलेगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि अभी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी कुछ पढ़ना नहीं है, मैं नहीं बोल रहा अभी एक दिन में कुछ पढ़ लोगे तो हो जाएगा, नहीं, लेकिन आप पेपर को ठीक से एनालाइज करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि आपकी अगर कोई एक सब्जेक्ट वीक रह गई है तो हो सकता है आप टॉप रैंक ना ला पाओ, बट इट इज़ स्टिल पॉसिबल कि आप एक अच्छा रैंक ला सकते हो, आप एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्ट ज़रूर हो सकते हो। हाँ, 2-3 digit रैंक्स जो है उसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती है अगर आपका एक सब्जेक्ट कुछ ज़्यादा ही वीक है। अगर तीनों ही वीक है तब सच में कोई चांस नहीं है, जो प्रैक्टिकली स्पीकिंग बात है। तीनों सब्जेक्ट अगर वीक है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए सेलेक्ट हो पाना। हाँ, अगर एकाधा सब्जेक्ट कोई वीक रह गया है तो बहुत अच्छा चांस है, आराम से आप सेलेक्ट हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो आपको मैं पहली बात बता दूँ कि जो JEE एडवांस का एग्ज़ाम है इसमें मेंस की तरह तो नहीं सोचना होता है, पहली बात है ना, कोई 100% की तरफ दौड़ लगानी नहीं है। आप यहाँ अगर 1/3 मार्क्स ले आते हो आप उस सब्जेक्ट में जो आपका वीक है, फॉर एग्जांपल आपकी, मैं अभी तो सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूँगा, केमिस्ट्री में अगर आप 1/3 मार्क्स लेकर आते हो आउट ऑफ 120, दैट इज़ 40 मार्क्स के अराउंड, अगर आप इतने मार्क्स भी लेके आते हो ना तो इट इज़ मोर देन इनफ, ये बहुत है, बहुत ज़्यादा नंबर है। यू हैव डन अ गुड जॉब अगर आपने अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट में, 40 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 30 से 40 की विंडो में भी अगर आप मार्क्स ला रहे हो अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट में, तो ये तो हम एज्यूम कर ही सकते हैं कि बाकी दो सब्जेक्ट्स में इससे बेटर ही होगा आपका परफॉर्मेंस। तो आप एक अच्छा रैंक लेके उठोगे, टॉप रैंक नहीं भी तो एक अच्छा रैंक लेके आप उठ सकते हो। और केमिस्ट्री में सर 30-40 भी कैसे लाएँ, ऐसा बोलना बहुत आसान है, 30-40 कैसे आए, बहुत आसानी से आते हैं। आप जितना हाइप देते हो एडवांस के पेपर को उतना पेपर रहता नहीं है ऐसा। 30-40 केमिस्ट्री में लाना बहुत आसान है। हाँ, 100 नंबर लाना थोड़ा सा मुश्किल है केमिस्ट्री में, उसके लिए टफ प्रिपरेशन चाहिए, अच्छी प्रिपरेशन चाहिए, बट ये 30-40 का जो नंबर है ये बहुत स्मार्टली अगर आप पेपर को ऑब्जर्व करते हो, हर क्वेश्चन के पीछे नहीं भागते हो, तो आप बहुत ईजिली 30-40 नंबर ला सकते हो। मैं थोड़ा सा अभी एक पेपर का सैम्पल लेके आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा होप मिले और थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो। अब डिप्रेस्ड होने का कोई मतलब नहीं है, हो गया कोई बात नहीं है, वीक रह गई तो रह गई, अब कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, एक दिन में कुछ पढ़ भी नहीं सकते, आप चीज़ों को थोड़ा सा देखो, एनालाइज करो। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा, देखो पेपर में सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जो भी सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स, हर प्रॉब्लम मुश्किल नहीं होता, ये इजी टू मॉडरेट लेवल में होता है। एक आधा मुश्किल प्रॉब्लम मिल जाए तो मिल जाए, इजी टू मॉडरेट लेवल में आपको सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स मिलेंगे, तो इसमें आपको तो टारगेट करना ही है, लॉस का भी उतना कुछ नहीं है, -1 ही हो रहा होता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध किसी भी क्वेश्चन को करना है, मैं ये बोल रहा हूँ ये इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं सिंगल करेक्ट वाले, होना हो एक आध दो क्वेश्चन मुश्किल आ जाए, बट ज़्यादातर इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, आप इन पे अच्छे से टारगेट कर सकते हो। और मैं आपको बताऊँगा आपको मोर देन वन करेक्ट वगैरह में क्या करना है, क्या करना है। आप एक चीज़ ध्यान रखो, आपको ना बूंद बूंद से सागर भरना है, बिल्कुल बूंद बूंद से। भाई पार्शियल मार्क्स ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्शियल मार्क्स ले लेंगे। मोर देन वन करेक्ट में जिस भी पॉइंट में डाउट आ रहा है,
आप अगर 80% श्योर हो लेकिन 20% का डाउट है, आप छोड़ दो उस पॉइंट को, हाथ मत लगाओ। जिसमें आपको बिल्कुल श्योरिटी है, अभी मैं दो चार क्वेश्चंस भी लेके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा और अच्छे से। जिस पॉइंट पे आपको बिल्कुल क्लैरिटी है कि हाँ यार ये तो बिल्कुल, ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है, उसमें टिक मारो। एक दो करके आप मार्क्स लो, एक दो करके मार्क्स लो। बूंद बूंद से सागर भरना है, ध्यान दो। अगर सब्जेक्ट वीक रह गया है, टारगेट करो सिर्फ 30 से 40 नंबर, और अगर आप ये करके उठते हो तो आप एक अच्छा रैंक लेके उठोगे, ये बात मेरी मान लो आप, ठीक है। मोर देन वन करेक्ट में आपको ज्यादा फोकस करना है किस पे, पार्शियल मार्क्स पे, क्योंकि अगर आपकी तैयारी थोड़ी वीक है तो MTOC जो क्वेश्चंस हैं उसमें हो सकता है किसी एक आध ऑप्शंस में आप ट्रैप हो सकते हो, और उसमें आपको बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ अगर आपको -2 मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ना तो आपको क्वेश्चंस पिक करने कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे देखो अपन ना 2018 का एक पेपर देखते हैं, ठीक है, 2018 का पेपर देखते हैं। ये देखो एक सेकेंड, हाँ जैसे ये देखो क्या बोल रहा है, ये अपने क्या है, सिंगल करेक्ट है क्या है? अच्छा, वन और मोर देन वन करेक्ट, ठीक है। देखो सिंगल करेक्ट हो सकता है, किसी पेपर में ना दिखे, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो बहुत आसान रहते हैं पेपर 2018, ऐसा नहीं है कि सबसे आसान पेपर उठा के ला रहा हूँ, इससे आसान 19 का पेपर था, उससे आसान 21 का पेपर था, ठीक है। तो एक नॉर्मल सैंपल अपन 2016 का भी देखेंगे पेपर, आप देखना ऐसे क्वेश्चंस होते जरूर हैं उसमें जो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यार आप मेंस क्वालिफाई करके आए हो एडवांस का पेपर देने, तो आपको एक वो जो बेयर मिनिमम वाला नॉलेज होता है उससे ज्यादा ही नॉलेज है आपको, है ना, आपने NCERT अच्छे से पढ़ी होगी एक बार, और बहुत जो बेसिक फंडे हैं वो आपके क्लियर होंगे, तो सिर्फ उसके दम पे भी ना बहुत कुछ कर सकते हो। मत करो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, छोड़ दो, देखते ही छोड़ दो। अगर डेप्थ में नहीं पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक के बहुत सारा डेप्थ में नहीं पढ़ा है, अगर उसका क्वेश्चन आ रहा है, टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है, नहीं बनेगा छोड़ दो, और छोड़ने से कोई नुकसान नहीं है। अपने को 30 से 40 के बीच में एम करना है। आप देखो जैसे ये क्वेश्चन है, कौन नाइट्रोजन देगा ऑन हीटिंग थर्मल डिकम्पोजिशन 300 डिग्री के बिलो। अब नाइट्रोजन कौन देगा ये तो ठीक है, पता रहता है, ये 300 डिग्री आ गया थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, लेकिन ये तो बच्चे बच्चे को पता रहता है यार कि ये वाला रिएक्शन बेरियम एजाइड NCERT का रिएक्शन, अमोनियम डाइक्रोमेट लेबोरेटरी में कराया जा रहा है, तो हाई चांसेस हैं कि 300 डिग्री के आसपास की उससे नीचे का टेम्परेचर होगा। अमोनियम नाइट्रेट सबको पता है ये लाफिंग गैस देता है हीट करने पे, फिर ये जब 800 डिग्री पे रैपिड हीटिंग होती है तब जाके नाइट्रोजन देता है एक्सप्लोजन वाला रिएक्शन। एकदम देखो NCERT के रिएक्शन, तो पहली बात बताओ NCERT के रिएक्शन भी आपको मिलते हैं पेपर में, बहुत सारे मिलेंगे, इतने तो मिलेंगे कि आपको 1/3 मार्क्स की तरफ आप टेंड करो उसको अगर सॉल्व कर लेते हो। तो ध्यान रखना, बूंद बूंद से सागर आपको भरना है, हो सकता है पूरा सागर ना भर पाए, 1/3 सागर ही भर जाए ना तो काफी है आपके लिए। अब मैग्नीशियम नाइट्राइड क्या है, सर नहीं याद आ रहा, सर ये भी दे देगा क्या? अब देखो ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना, मैग्नीशियम नाइट्राइड ठीक है हीट करने पे दे देता है, लेकिन मेटल नाइट्राइड्स वगैरह बहुत हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज होते हैं, तो इसको जहां भी डाउटफुल लग रहा है आपको, हो सकता है चलो डाइक्रोमेट भी अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है आप छोड़ दो, मत करो, आप सिर्फ बेरियम एजाइड लग रहा है आप कर लो, और चलो यहां से +1 लेके आगे बढ़ो। आपको ऐसे ही करना है पेपर में, ठीक है, उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका सब्जेक्ट थोड़ा वीक रह गया। अब जो तो पूरा स्कोर करना चाहते हैं उनकी तो स्ट्रेटजी अलग है, उनको तो बात अलग है, उनके लिए बहुत बातें की हमने साल भर। अब देखो यहाँ पे कल क्या है, दो चार बच्चों ने मुझसे ये पूछा, तो देयरफॉर बड़ा डिप्रेस लग रहे थे, मैं बोला कि अपन एक प्रैक्टिकली सही तरीके से आपको होप दिया जा सकता है। अब जैसे देखो यहाँ पे, अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन इज 16। अब वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन गिनना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन स्टेट, अब सीधा सीधा जो पॉइंट आपको एकदम सीधा सा लग रहा है, यार ये सिनर्जिक बॉन्डिंग का सीधा सा केस है, सीधा सा केस है सिनर्जिक बॉन्डिंग। अगर आपने सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ी है तो आप इसको अटेम्प्ट करो। अगर आपने पढ़ा, आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं पढ़ी है, आपको नहीं ध्यान है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती करने को कर रहे हो क्वेश्चन, वो नहीं करना है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको ये समझ आ गया होगा हाँ यार ये सिनर्जिक का क्वेश्चन है, वो टॉपिक मेरा थोड़ा कमजोर है, तो मत छुओ उस क्वेश्चन को आगे बढ़ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, आगे मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ये देखो जैसे ये मिला, अगला ही क्वेश्चन क्या मिल रहा है, ये कोई क्वेश्चन है, देखो आपको दी क्या बोल रहा है, BI25 इज मोर बेसिक देन दिस,
ये क्लास 9-10 के बच्चे को पता होता है मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होता है। अब pH 3 और इसकी बॉइलिंग पॉइंट देखो स्कूल लेवल में पता होता है, आप इसको टिक करो। ये कोवेलेंट कौन ज्यादा होगा, फजांस रूल है, इसको टिक करो। ऐसे करते जाओ, NN सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन PP बॉन्ड, NCERT की स्टेटमेंट है, इसको टिक करो। देखो चार नंबर मिलता ना, ऐसे इस तरह से जाना है, इस तरह से जाना है, जो एकदम श्योर शॉट लगे आपको। मैं जस्ट कुछ सैंपल दे रहा हूं क्वेश्चन के, और इसके साथ आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब ये देखो, ये चलो ठीक है, इसमें SN2 रिएक्शन है, क्या है PBr3, सबको पता है SN2 रिएक्शन, SN2 इन्वर्जन होता है, किसको नहीं पता। NaI स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एसीटोन में डाला हुआ क्या करता है, इन्वर्जन, फिर इन्वर्जन। NaN3 माइनस बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, और ये DMF में डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, फिर से इन्वर्जन, 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 इन्वर्जन करा दो, आंसर आ गया। तो उतना टफ नहीं होता पेपर जितना आप सोचते हो, आप जितना सोचते हो उतना टफ होता नहीं है पेपर। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन आ गया, मिसेटिलीन बनाना है, किसमें मिसेटिलीन बनेगा, ये रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है ना, बहुत फेमस, एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल, तीन मॉलिक्यूल्स मिलके मिसेटिलीन बना देते हैं, बहुत फेमस रिएक्शन है। बट सर हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं छोड़ दो, ये तो याद होगा NCERT का रिएक्शन है ना, NCERT का रिएक्शन, हाँ तो इसमें तुरंत मार्क करो, तुरंत मार्क करो। अच्छा फिर ये देखो, ये देखो, ये मेंस लेवल के रिएक्शन है, सीधे सीधे क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड करा के अमाइड बना दो, फिर उसके बाद सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करा दो। देखो, देख रहे हो अब रिएक्शंस, देखो कोई भी पेपर ले लो, हाँ होते हैं कुछ क्वेश्चन टफ, लेकिन ज्यादातर 30-40 नंबर स्कोर करना बहुत आसान है केमिस्ट्री में, इस बात को आप मान लो। ये देखो क्लेमेंसन रिडक्शन पूछा हुआ है, क्लेमेंसन रिडक्शन, ऑल दो ये आंसर, हाँ CH3 हो गया क्लेमेंसन रिडक्शन, ये भी देखो +1 यहां से भी मिला। उसके बाद जैसे देखो ऐसा क्वेश्चन आया, हाँ अच्छा देखो ये आ गया थर्मोडायनेमिक्स का ग्राफिकल। अब इसके लिए मैं बता दूं, ज्यादातर समय ऐसे क्वेश्चंस कंसेप्ट वाले होते हैं, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स ठीक से नहीं पढ़ी है, आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, देखो भी मत इस क्वेश्चन को, आप छोड़ दो, क्योंकि हाई चांसेस हैं कि आप कुछ गलती कर बैठोगे अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी है। ऑल्दो जिसने पढ़ी है उसके लिए ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, लेकिन नहीं पढ़ी है ना तो थोड़ा नहीं बनेगा, आप इस बात को मान लो। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आयनिक हो गया, ये सब के क्वेश्चंस जो है ना, अगर आपने उतने अच्छे से पढ़ा नहीं है तो थोड़ा मुश्किल है कि एग्जाम में आप उस माहौल में आप बना पाओ। देखो केमिकल बॉन्डिंग तो हमेशा आपके लिए बोनस है, हमेशा मार्क्स देके जाता है, केमिकल बॉन्डिंग को नहीं छोड़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को नहीं छोड़ना है, ये सब नहीं छोड़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो बड़ा टफ, सर आपने रियल एडवांस सीरीज में बड़े टफ टफ प्रॉब्लम्स कराए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, ठीक है कराए हैं हमने, लेकिन जो एडवांस के पेपर में सवाल आए हैं आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। सीधा सीधा नस्ट इक्वेशन से लाना है, इक्वेशंस में पुट करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, इंटीजर निकालना है, इंटीजर में तो आप अपना हाथ मारो ही जरूर, नेगेटिव का कोई रिस्क नहीं है, चांसेस हाई है कि आपका 2-3 भी सही हो जाए तो 7-8-9 नंबर आपको आराम से मिलते हैं, है ना, 6-9-10 नंबर आप आराम से यहां से उठा सकते हो। तो इंटीजर पे तो बिल्कुल फोकस करना है, जो भी इंटीजर टाइप आपको आपके पहुंच का लग रहा है, जैसे ये सबको पहुंच का लगेगा, क्योंकि कुछ नहीं है केमिकल बॉन्डिंग से डायमैग्नेटिज्म बताना है। आप देखो और भी कुछ एग्जांपल, चलो एक आध पेपर और लेते हैं, ये देखो 2016 का अगर मैं पेपर लूं, देखो अकॉर्डिंग टू MOT क्वेश्चन है, तो आपको पता है C2-2-, ये देखो नीट लेवल का क्वेश्चन है, नीट लेवल का, आप देखो ध्यान से कुछ भी नहीं है। हाँ अब जैसे देखो ये वाला पॉइंट ठीक है, ये बहुत इजी पॉइंट है, अब सही है कि गलत है मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, ये पॉइंट ठीक है, ये आपको फेमिलियर लग रहा है, और ये वाला पॉइंट थोड़ा सा कंसेप्चुअल लग रहा है, ये है भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल, उतना मुश्किल नहीं है, बट अगर आपको आपने MOT को अच्छे से पढ़ा है तो बहुत आराम से बनेगा। हैज सेम एनर्जी एज दैट ऑफ 2 आइसोलेटेड HE एटम्स, ये क्या बोलना चाह रहा है, छोड़ दो, ठीक है छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, कुछ मत करो इसमें, ना तो मार्क करना है ना ही तो इसके बारे में ज्यादा देर सोचना है, आपको पिक करना है और आपको फिर पिक करने के बाद रिवाइज करना है कि हाँ यार जितना मैंने बनाया है, आप सिली एरर्स जो हैं वो आप नहीं अफोर्ड कर सकते, कि एक क्वेश्चन को आपने पिक किया वैसे ही आपका सब्जेक्ट वीक है, आपने उसको पिक किया, आपने उसको सॉल्व किया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, ऐसा चीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सब चीजों से बिल्कुल बचो, ठीक है बिल्कुल बचो।
ऐसे समझ पा रहे हो, ये सैंपल बता रहा हूं मैं आपको, एक आइडिया दे रहा हूं। ये देखो पॉजिटिव डेविएशन कौन देता है, मेंस लेवल का क्वेश्चन, आप मेंस पढ़ के आए हो यार, बहुत आराम से बता सकते हो। इसमें भी जैसे आपको मान लो पॉजिटिव डेविएशन किसी एक ऑप्शन में लग रहा है, अरे यार मेरे को ये CH2 और एसीटोन का नहीं समझ में आ रहा है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, मोर देन वन करेक्ट में आप उसको छोड़ दो। आपको बूंद बूंद से भरना है सागर, इस बात को ध्यान रखो और उस हिसाब से पेपर दो। ये देखो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये क्या बोल रहा है, ये देखो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, ये CCP स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है, एफिशिएंसी ऑफ एटम पैकिंग 74% है, इसमें कोई शक है नहीं होना चाहिए यार, है ना, तो इसमें सीधे प्लस वन लो आप। ये NCERT बुक में लिखा हुआ है, बताओ सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आया और NCERT बुक में दिया हुआ है। अब उसको नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स बताओ, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सेल एज और उसका वो रेडियस वो पूछ रहा है क्या, नहीं है 2√2r, a इज इक्वल टू 2√2r रिलेशन, जो बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, है ना, वो पूछा है। तो देखो इन तीन पॉइंट्स में कोई शक नहीं है। अच्छा पहला वाला पॉइंट, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन टॉप मोस्ट लेयर इज दिस। अब ये देखो यही पॉइंट यहां पे ट्रैप है, अब ये पॉइंट ट्रैप है, आप ट्रैप की तरफ जाओ ही मत, आप छोड़ दो। अगर आपको पता है कि हाँ यार आपको कॉन्फिडेंस है, नहीं यार सॉलिड स्टेट मैंने अच्छे से पढ़ा है, मैंने लेयर बाय लेयर पढ़ा है, हर लैटिस का पूरी पैकिंग पढ़ी है अच्छे से, लेयर बाय लेयर पढ़ा है, तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट करो, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी शक हो रहा है, हाँ यार छोड़ दो कोई बात नहीं, इधर से आप प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री जो मिल रहा है आप लो और उससे आगे बढ़ जाओ। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी बातें जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो बस इसी होप के साथ आप जाइए, और आप 30 से 40 नंबर भी अगर लेके आते हो ना केमिस्ट्री में, तो यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, ठीक है। सो बढ़िया, सबको बेस्ट ऑफ लक। और भी कुछ टिप्स और लास्ट मोमेंट कुछ टिप्स होगी तो उसकी वीडियो मैं बना के डालता रहूँगा आज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।